Thank you for calling Ola. गुड आफ्टरनून, थैंक यू फॉर कॉलिंग ओला, माय नेम इज सुजाद। एक इशू है, ये 10 तारीख को मेरे अकाउंट से पैसे काटे गए थे। 10 तारीख को? 10 तारीख को मेरे अकाउंट से पैसे काटे गए थे, 10 तारीख को 456 काटे गए थे। और उसमें मैंने जब आपके कस्टमर केयर से पूछा मैंने, तो मुझे बताया गया कि 18 फरवरी को किसी कस्टमर को ट्रिप लिया था मैंने बोरेलू टू मीरा रोड, और उस कस्टमर ने कंप्लेंट किया है 10 मार्च को, यानी कि लगभग 21 दिन बाद। समझता रहा मैं। तो ऐसा एक्चुअली तो वो तो मुझे लगता है टोटल गलत है। मैं आप कस्टमर का सीआरएन नंबर बता देता हूँ तो आपको डिटेल मिल जाएगा। कस्टमर का सीआरएन नंबर है 60। बेहद माफी चाहेंगे जी, मैं चेक कर पा रहा हूँ यहाँ से। बेहद माफी चाहेंगे, जो आपको असुविधा आई है रहिए, आपकी इसी जानकारी के साथ पूरी सहायता की जाएगी मेरे द्वारा। हाँ, तो कस्टमर का मैं चेक कर पा रहा हूँ, 10 मार्च को 468 रुपीज आपको रिडक्शन हुआ है, 14 फरवरी की राइड है ये। हाँ ठीक है, हाँ 14 नहीं 18 फरवरी, 18 फरवरी की राइड है। 18 फरवरी जी, बेहद माफी चाहूंगा, 18 फरवरी की राइड है ये। हाँ, तो एक्चुअली वो तो जो कस्टमर ने, उसमें मुझे बाद में बताया कि आपके सिस्टम ने बताया है, आपके कलीग ने, कि 10 मार्च को कस्टमर ने क्या कहा आपके उन्होंने कंप्लेंट डाल के, कि ड्राइवर को मैंने ऑनलाइन पेमेंट भी हो गया था मेरा, और ड्राइवर ने मुझसे कैश भी लिए थे। ठीक है, तो उस बिहाफ पे आप लोगों ने मेरा 456 मेरा काट लिया आप लोगों ने, 468 मेरा काट लिया आप लोगों ने। तो मैंने कहा एक्चुअली तो गलत है, क्योंकि देखिए अगर नॉर्मली रूल क्या होता है कि 72 घंटे में आपको कंप्लेंट, अगर मेरा कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे 72 घंटे के अंदर मुझे उसको लॉन्च करना पड़ेगा, तो आप लोग उसका सॉल्यूशन दे सकते हो। लेकिन अगर ज़्यादा हो गए 72 घंटे बाद तो वो सॉल्यूशन नहीं निकलता है। तो क्या ये रूल कस्टमर के लागू नहीं होता है कि अगर कस्टमर का राइट था 18 फरवरी का, और वो 10 मार्च को जाकर वो कंप्लेंट लॉन्च करता है कि उस दिन को ड्राइवर ने मुझसे कैश भी लिए थे और मेरा ऑनलाइन पैसा भी कट गया था, तो आप लोग उसको सॉल्व करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मुझे बताइए, बात का जवाब दीजिए। देखिए मैं आपकी बात को समझ सकता हूँ, बेहद माफी चाहूंगा, जो आपको असुविधा आई है। यहाँ से मैं भी यही चेक कर पा रहा हूँ कि 10 तारीख को आपकी इस राइड में से डिडक्शन हुआ है। हाँ, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, कंप्लेन जो है वो पहले ही ली जाती है। हाँ, कंप्लेन 72 आवर्स के बाद उसका ऑप्शन ही नहीं आता, तो कंप्लेन पहले ही ली गई थी। हाँ, लेकिन इसमें कई बार पेंडिंग में चला जाता है, तो चेंजेस में काफी टाइम हो गया, तो 10 मार्च को ये अपडेट हुआ है बिल, यानी कि आप इश्यू से ये 10 मार्च का बिल अपडेट हुआ है, कंप्लेंट पहले ही ली जाती है। यानी कि आपने, आप ये बोल रहे हो कि कस्टमर का कंप्लेंट उन्होंने काफी पहले की थी, ये 10 मार्च को जाके अपडेट हुआ है, और 10 मार्च को मेरे अकाउंट से पैसे काटे गए, ऐसा बोल रहे हैं आप? जी, 10 मार्च को ये अपडेट हुआ है। तो कस्टमर ने कंप्लेंट की थी ये बता सकते हैं प्लीज? 18 फरवरी का उनका केस है, तो कस्टमर ने कब कंप्लेंट किया आप मुझे बता सकते हैं प्लीज? थोड़ा सा बता सकते हैं प्लीज? इसकी डिटेल हमारे पास नहीं होती, इसकी डिटेल कस्टमर केयर में होती है। कस्टमर कोई भी चेंजेस कस्टमर केयर से करवाते हैं, ये पार्टनर केयर है हमारे पास, यही शो हो रहा है बस। कस्टमर ने यहाँ से यही मेंशन किया है कि कस्टमर के द्वारा डबल पेमेंट की गई थी, जिसमें 468 रुपीज रिटर्न किए गए हैं। अच्छा, कैश भी आया था और कस्टमर का ऑनलाइन पैसा भी कट गया था। तो आपको लगता है आज के दिन में ऐसे कस्टमर होंगे जिनको ऑनलाइन पेमेंट दिखाता होगा, जैसा कि आपका खुद आप बोल रहे हो कि कस्टमर ने ऑनलाइन पेमेंट भी दे दिया और कैश भी दे दिया, तो आपको लगता है आज की तारीख में ऐसे कस्टमर होंगे जो कि ऑनलाइन पेमेंट देने के बाद ड्राइवर को बोलेंगे भाई आप कैश भी ले लो मेरे से? जब मीटर स्टॉप होता है तो या तो उसमें दिखाता है ऑनलाइन पेमेंट दिखाता है तब तो कैश दिखाएगा नहीं, या कैश दिखाएगा तो ड्राइवर कैश लेगा तब तो ऑनलाइन पेमेंट हुआ नहीं। तो आप कैसे बोल सकते हो कि ड्राइवर ने, कस्टमर ने ऑनलाइन पेमेंट भी कर दिया और कैश भी ले लिया, ये आपको पॉसिबल लगता है? आपको लगता है आज की तारीख में कस्टमर लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि ऑनलाइन पेमेंट भी दे देंगे और कैश भी दे देंगे, ऐसा पॉसिबल लगता है आपको? देखिए बिल्कुल मैं आपकी बात को समझ सकता हूँ कि ये पॉसिबल तो काफी हद तक नहीं है, लेकिन कई बार ऐसे इश्यूज आ जाते हैं कि कस्टमर का ऑनलाइन पेमेंट ही नहीं हो पा रहा है नेटवर्क की इश्यू के से, तो कस्टमर उस समय आपको कैश दे देते हैं और बाद में, लेकिन कई बार उनका ऑनलाइन पैसा कट जाता है, तो इसीलिए कस्टमर कंप्लेन करके रिटर्न करवा सकते हैं, यही हो सकता है इसमें, एक ही प्रोबेबिलिटी है और दूसरी नहीं है। हाँ ठीक है, लेकिन ऐसे मामले में आप लोग ऐसे डाल दिया आपने कि ड्राइवर ने कैश भी ले लिया और ऑनलाइन पेमेंट भी उसका रिसीव हो गया है, तो ऐसे में तो ड्राइवर जो आपके साथ 3 साल से काम कर रहा है उसका रिकॉर्ड खराब होता है कि भाई ड्राइवर फ्रॉड है, वो कस्टमर से ऑनलाइन पेमेंट भी ले लेता है और कैश भी ले लेता है, तो उससे तो ड्राइवर का नाम खराब होगा। मान लीजिए मैं आपके साथ करीब 7 साल से काम कर रहा हूँ, मैंने अब तक मेरे ओला में 15,000 राइड अब तक उससे ज़्यादा कर चुका हूँ, मैं 7 साल से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ,
तो आप लोगों ने एक बार भी पूछने की कोशिश नहीं की कि भाई ये कस्टमर का आपने कैश लिया कि नहीं लिया, आपने मुझे कॉल भी नहीं किया, मुझे आपने डायरेक्टली मेरे अकाउंट से पैसे काट लिए, तो ये क्या सही लगता है आप लोगों को? एटलीस्ट आप लोग आप हमको साथी बोलते हो कि हमारे पार्टनर ड्राइवर पार्टनर हैं, तो आप हम आपके पार्टनर हैं, तो सुख दुख में आपके हम साथी रहना चाहिए, लेकिन एक्चुअली हम सिर्फ दुख में ही सुख में साथी, आपके दुख में आप हमें भूल जाते हो। चलो ये तो अलग बात है, इस बात का यहाँ पर चर्चा नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली आपकी ड्यूटी बनती है कि आपको ड्राइवर पार्टनर को फ़ोन करके पूछना चाहिए कि ये कस्टमर का कंप्लेंट है कि उन्होंने डबल पेमेंट कर दिया है, तो क्या आपको कैश में रिसीव हुआ है, आपने मुझे कॉल करके पूछा आपने, या आपके सिस्टम ने पूछा किसने, बता सकते हैं जरा आप? बेहद माफी चाहेंगे अगर कस्टमर की तरफ से आपको नहीं पूछा गया था। देखिए पेंडिंग में जो चले जाते हैं इसमें देखिए टाइम आउट होने की वजह से कस्टमर कस्टमर मुझे कॉल नहीं करेंगे केयर की तरफ से। हाँ ठीक है ओके, मैं कस्टमर नहीं बोल रहा हूँ, कस्टमर केयर बोल रहा हूँ। कस्टमर केयर की तरफ से माफी चाहूंगा अगर आपसे कंफर्मेशन नहीं लिया गया था इसके लिए। देखिए कई बार पेंडिंग में पेंडिंग चला जाता है, जो इशू पेंडिंग चला जाता है, तो उसमें कई बार देखा गया कि पार्टनर से कोई कंफर्मेशन नहीं हो पाता है। हो सकता है कि आपसे कंफर्मेशन लेने की कोशिश की गई है लेकिन आप रिसीव ना कर पाए हो, और एक ही बार यहाँ से ट्राई किया जाता है। लेकिन भाई साहब आपको सोचना चाहिए, अगर जब तक कस्टमर का आपने बात बोल के तुरंत आपने उसको सुन लिया, आपको एटलीस्ट ड्राइवर का साइड भी सुनना चाहिए कि ड्राइवर ने पैसे लिए कि नहीं, आपको सुनना चाहिए। भले एक बार कॉल लगे नहीं, सुन मुझे मुझे बात बोले दीजिए, पूरे मेरी बात करने दीजिए। अगर एक बार ड्राइवर ने कॉल रिसीव, आप जैसे बोले कॉल रिसीव नहीं किया है, दोबारा कॉल कीजिए, तीसरा कॉल कीजिए, क्योंकि देखिए किसी का पैसे बहुत हार्ड अर्निंग मनी होती है, कोई पैसे फ्री में नहीं कमाता है, बहुत मेहनत करके पैसे कमाए जाते हैं। आपको बार बार कॉल किया जाए, एक ही से दो बार ट्राई किया जाता है, उसके बाद नहीं किया जाता, इससे ज्यादा का ऑप्शन भी नहीं आता। लेकिन भाई साहब मुझे एक भी कॉल रिसीव नहीं आया, डायरेक्टली मुझे मैसेज आ गया कि भाई आपके पैसे काट लिए गए, मैसेज भी नहीं आया वो मुझे, मैंने छोड़ अपने सिस्टम में चेक, मैं देख रहा था आज मैंने एक ऑनलाइन राइड लिया है, तो मेरे मुझे इतने पैसे मिलने चाहिए थे, मेरे अकाउंट तो प्लस में होना चाहिए था, सडनली देखा मैंने अकाउंट मेरा माइनस में हो गया है, मैं ऐसा कैसे हो गया? तब मैंने डिटेल जाकर चेक किया, तब मुझे मालूम पड़ा कि आप लोग ने मेरे पैसे काट लिए गए। मुझे आपकी तरफ से कोई बताया भी नहीं गया, मुझे आपकी तरफ से कोई इंटीमेशन नहीं आ गया है कि मुझे बताएगा कि मुझे पैसे काट लिए गए, वो तो मैं खुद चेक कर रहा था कि मेरा ऑनलाइन पेमेंट आज प्लस होगा तो माइनस कैसे हो गया, तो मुझे मालूम पड़ा जब मैं जब फ़ोन किया तो मुझे पता बताया गया कि आपके पैसे काट लिए गए। तो ये तो फ्रॉड वाली बात हो गई कि आप लोग बिना बताए पैसे काट लेते हो, ना तो आप मुझे कॉल आया, ना आपकी तरफ से इंटीमेशन आया कि भाई आपके पैसे इस राइड का इशू है, इसके पैसे काट लिए गए, तो दोनों तरफ से मैं गलती देखता हूँ आपकी तरफ से। देखिए मैं आज से ओला के साथ काम नहीं कर रहा हूँ, मुझे अगर एक 7 साल हो गए, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, तो एक्चुअली आप लोग की ड्यूटी बनती है कि ड्राइवर के पैसे काटे जाते तो उनको बताया जाए कि पैसे पैसे काटे। देखिए मैं आपकी बात को समझ सकता हूँ, लेकिन देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस राइड में अब कोई इस अमाउंट से रिलेटेड यहाँ पे अब कुछ भी चेंजेस नहीं हो पाएगा। नहीं वो तो मैं समझ गया, वो तो मुझे पता है चेंजेस वैसे भी नहीं होगा क्योंकि ड्राइवर यहाँ से कोई भी चेंजेस नहीं हो पाएगा। अगर हो सकता तो बिल्कुल मैं यहाँ से आपकी सहायता, कोई और जानकारी जानना चाहते हैं तो वो मैं आपको बता। मुझे मेरी बात पूरी कर लेने भाई साहब, मेरी बात पूरी कर लेने जी, मुझे पता है चेंजेस नहीं हो सकते हैं क्योंकि वैसे भी आप लोगों के लिए ना ड्राइवर आप लोगों को कोई मायने नहीं रखते हैं, आप लोगों के लिए सिर्फ ना कस्टमर ही मायने रखते हैं, आप लोगों के लिए कस्टमर भगवान है कस्टमर आपके लिए, ड्राइवर का आपके सामने कोई वैल्यू नहीं है, भले ड्राइवर आपके साथ 1 महीने से काम कर रहा हो या 10 साल से काम कर रहा हो, ड्राइवर आज है कल नहीं ऐसा है, आप लोगों के लिए क्या है ड्राइवर आज है कल ड्राइवर छोड़ देगा, लेकिन कस्टमर आप लोगों के भगवान है, कस्टमर का ही आप लोग सुनोगे, ड्राइवर का आप लोग सुनोगे नहीं। सच कड़वी बात यही है, मेरी बात समझ में आपको कड़वी लगेगी आपके ऊपर, कड़वा सच यही है कि आप लोग हमेशा ना कस्टमर का साइड लेके बात करते हो, ड्राइवर का साइड लेके नाम के लिए बोलते हो आप लोग कि हम लोग ड्राइवर साथी हैं, लेकिन ड्राइवर साथी नहीं है, ड्राइवर का आपका कुछ संबंध ही नहीं है, बस नाम के लिए कमीशन लेंगे आप लोग राइड दिला दिए, कमीशन ले लिए, कहानी खत्म। और अगर कस्टमर ने कंप्लेंट कर दिया तो बस सीधा पैसे काट लोगे ड्राइवर का भले नुकसान हो फायदा हो आपको लेन देन कुछ नहीं चीज़ से, सिर्फ नाम के लिए आप लोग बोलते हो कि ड्राइवर साथी है, लेकिन आप लोग ड्राइवर के साथ ही समझते नहीं हो। देखिए सर आप भी किसी के लिए काम करते हो, अभी एम्प्लॉई हो किसी के, आपको भी समझना चाहिए कि किसी का भी कैसे पैसे काट लिए उसको कितना दुख होता होगा, अभी समझ सकते हो कितनी तकलीफ होती है, अभी समझ सकते हो सर। देखिए सॉरी टू साउंड रूड, मुझे सर आपसे इस तरह बात करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे आपसे इस तरह बात करना, पर आप समझिए सर हम लोग का भी पेन आप फील कीजिए, हमें भी कितना तकलीफ होती है जब हम लोग मेहनत से पैसे काम करते हैं और आप लोग पैसे काट लेते हो, हमें बहुत दुख होता है। तो आखिर और इसमें हमारा रिकॉर्ड भी ख़राब होता है कि भाई ड्राइवर ने डबल पैसे ले लिए, तो आपके सिस्टम में तो ये बताया जाएगा कि ड्राइवर के पैसे भी, ड्राइवर ने कस्टमर से ऑनलाइन पेमेंट भी ले लिया और कैश भी ले लिया, तो हमारा रिकॉर्ड क्या होगा कि हम फ्रॉड हैं। पहली बात तो ये है कि आप लोगों को सिस्टम सुधारने की ज़रूरत है, मेरे बोले से आप लोग सिस्टम सुधरेगा नहीं, मुझे पता है वो तो आपका चलता रहेगा ऐसे ही, ड्राइवर परेशान हो गया क्या करेगा, आखिर ड्राइवर आपके साथ काम करना छोड़ देगा, कोई अल्टरनेटिव कुछ और ले लेगा, अलग कहीं काम करने चला जाएगा, या फिर कुछ या फिर ओला के साथ काम करना छोड़ देगा, यही ऑप्शन है, ओला के साथ काम करता रहेगा ड्राइवर तो ये चलता रहेगा, इसका कुछ सुनाई होने वाला नहीं है, मुझे पता है, फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ। और जहाँ तक ये बात तो हो गई, अब मैं दूसरी बात बताता हूँ आपको,
कस्टमर का आपने जब पैसे आपने कस्टमर की बात सुनने पर आपने पैसे काट लिए थे, तो बाद मैंने अपने डिटेल में चेक किया, हम लोग जब कॉल करते हैं कस्टमर को, हमको राइड मिलता है तो कस्टमर का, हमको कस्टमर को फ़ोन करते हैं हमको, तो कभी क्या होता है हमारे मोबाइल में उनका रिकॉर्ड रह जाता है कि भाई ये एक एक महीने का पुराना डेटा रहता है। तो मैंने कल क्या किया कि मैंने अपने पूरे मोबाइल का डेटा निकाला और मैंने चेक किया कि 18 तारीख को जब एक कस्टमर राइड लिया था उसका टाइमिंग चेक किया, पिकअप टाइम चेक किया मैंने, और उस टाइम पे मैंने कस्टमर को, मैंने वो नंबर देख के मैंने कस्टमर कल मैंने कॉल किया और मैंने बोला कि सर आपने मेरे नाम में कंप्लेंट किया है, तो मैंने तो आपसे पैसे उस दिन लिया, कैश लिया नहीं था, आपका तो ऑनलाइन पेमेंट था, तो आपने वो ऐसा क्यों डाला कि आपने कैश भी ले लिया है। तो कस्टमर ने अपनी गलती एहसास किया, हाँ बोलते हाँ मुझे लगता है ऐसा कुछ हो गया होगा, मिस्टेक कुछ हो गया होगा, मुझे पता है। मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। एक मिनट देखिए, आपको यहाँ से बता दिया गया है कि इसमें कोई हेल्प नहीं हो पाएगी। अरे भाई साहब एक मिनट और सुन लीजिए, मैं समझ गया, आप मेरी हेल्प मत कीजिए, खाली मेरी बात सुन लीजिए, आपके आपके फीडबैक में डाली है, मैं जो बोल रहा हूँ फीडबैक में डाली है, मेरी बात सुन लीजिए, पूरा बात अभी बस पूरे होने वाली है, मुझे आपका ज़्यादा टाइम लेने का शौक नहीं है। तो मैं बोल रहा था कस्टमर से मैंने कल बात किया, कस्टमर ने मुझे बताया कि देखो सर यहाँ सर गलती हो गई है, मुझे लगता है आपके ऐसा कंप्लेंट हो गया है आपके मेरे तरफ से, तो ऐसा मुझे नहीं होना चाहिए था, वो मैं पैसा ऑनलाइन मैंने बुक किया था गाड़ी, तो मैंने कैश में गया था उसको ऑनलाइन कर रहा था, लेकिन वो बाय मिस्टेक वो पैसा चला गया लगता है, पता नहीं ऑनलाइन भी कट गया मुझे पता नहीं है, चलो गलती हो गई। तो कस्टमर ने अपनी गलती मानी और कस्टमर ने मुझे कल पेटीएम कर दिया, मुझे मेरे नंबर पे कस्टमर ने मुझे कल, तो जब आपको मिल गया है तो फिर आपका इशू सॉल्व हो गया, कस्टमर ने कंप्लेंट की थी जो कि चेंज हो गया। सुनिए सॉल्व ये नहीं, आप कह रहे कस्टमर ने पेटीएम किया आपको, हाँ मुझे कर दिया, लेकिन मुझे सॉल्व ये, मुझे पेटीएम पे से कर दिया, मेरा पैसा मिल गया। मुझे प्रॉब्लम इस बात का है कि मेरा आपके सिस्टम में तो क्या दिखाएगा कि ड्राइवर फ्रॉड है, इसने दो दो बार पैसे लिए, तो वो भी कहीं इसलिए फ्रॉड नहीं दिखाया जाता है कहीं। देखिए फ्रॉड नहीं होता है, फ्रॉड के अलग 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 सिनेरियो होते हैं। हाँ आप बोलिए बोलिए आप बोलिए बोलिए हाँ मैं अच्छा हो गया। ऐसे में कई बार ऐसा पेमेंट हो जाता है, लेकिन निश्चिंत रहिए ऐसा कोई भी इश्यू नहीं है। आप कह रहे हैं कि कस्टमर क्या तरह, कस्टमर ने आपको पेटीएम कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, मुझे ऐसा देखिए बहुत कम ही सुनने को मिलता है। हाँ ठीक है, वही मैं बोल रहा था, तो मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता था कि कस्टमर ने मुझे पे कर दिया है, लेकिन मुझे बस ये बोलना था कि आप लोग अपने सिस्टम को सुधारने की जरूरत है आप लोगों को, कि भाई ये अगर देखिए अगर कस्टमर की गलती नहीं होती तो कस्टमर ने मुझे गलत पैसा पे नहीं किया होता। कस्टमर को पता है कि कस्टमर ने गलत कंप्लेंट डाला था, इसलिए कस्टमर ने मुझे पे किया, नहीं तो कोई भी ऐसा फालतू में कोई पे नहीं करता है। और मैंने भी इसके लिए इतना स्ट्रगल इसलिए क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मुझे मेरा पैसा गलत पैसा काटा गया था, तो मेरा ओला मेरा पार्टनर है, फिर भी ओला ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन जो ड्राइवर जो कस्टमर है जिसका मेरा संबंध कभी नहीं है, उन्होंने एक दिन राइड लिया, उन्होंने भी मेरे पेन को समझा और उन्होंने मेरे पैसे मुझे दे दिए, लेकिन आप बोलने के लिए बोलते हो कि ओला ओला पार्टनर के हम ओला ड्राइवर हैं और ड्राइवर पार्टनर है, लेकिन ड्राइवर पार्टनर कुछ नहीं है। मेरा बात थोड़ा आपको कड़वा लगेगा पर सच्चाई यही कि हम लोग आप लोग हमको पार्टनर समझते नहीं हो, आप लोग हमको नौकर से गया गुजर बोलते ना, गुलाम समझते हो, इस तरह आप लोग हमारे साथ ट्रीट करते हो। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप लोग इस बात को आगे फॉरवर्ड कीजिए कि हमारे तकलीफ को भी समझिए आप लोग भी जरा समझिए। मैं आपकी बात को समझ सकता हूँ, समझ पाया हूँ, बेहद माफी चाहूंगा जो आपको असुविधा आई है। आप कह रहे थे कि आपका अमाउंट डिडक्शन हुआ, उसके रिगार्डिंग यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन दी जा चुकी है कि डबल पेमेंट के साथ आपका अमाउंट डिडक्शन हुआ है। अगर कोई और जानकारी जानना चाहते हैं ओला संबंधी तो उसमें आपकी सहायता कर सकता हूँ। नहीं सहायता मुझे सहायता की जरूरत नहीं है, आप लोग से सहायता की आशा है कि मेरे दिए गए रिजर्वेशन से आप संतुष्ट है। कॉल को मैं फीडबैक सर्वर पे रेटिंग लिए ट्रांसफर कर सकता हूँ। नहीं एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए भाई साहब, मुझे भी ऐसा फालतू बोलने का शौक नहीं है। देखिए मैं आपकी ही बात सुन रहा हूँ, 12 मिनट से मैं आपकी ही बात सुन रहा हूँ। अगर आप कोई और जानकारी जाना चाहते हैं तो उसमें मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे बात को अपने सीनियर तक पहुँचाइए आप और हमारे ड्राइवर लोग। ऑडिट होती है आपकी कॉल, हमारे सीनियर द्वारा ऑडिट भी की जाती है आपकी कॉल, रिकॉर्ड होती है, हमारे सीनियर द्वारा ऑडिट भी की जाती है, सुनी जाती है कॉल। हाँ तो वही बोल रहा हूँ मैं कि आप भी इसको ड्राइवर के पेन को समझिए और ऐसा मत कीजिए आगे, जो ड्राइवर का एटलीस्ट जो भी पैसे काटे हैं तो उनको बताया जाए। और आप लोग है ना हमको अपना साथी समझिए, हमको गुलाम से बदतर मत समझिए, हम लोग आपके साथी की तरह हमको ट्रीट कीजिए, बस ये उम्मीद करता हूँ मैं। हालांकि मुझे पता है कि कुछ होने वाला है नहीं, बस मैं कॉल किया आप लोग कॉल का वो आफ्टर सर्टेन टाइम वो कॉल डिलीट हो जाएगा, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है चीज़ों से, हम परेशान हो खुद ही ओला छोड़ देंगे, लेकिन आप लोग भी इसी को समझने की कोशिश कीजिए तो ये आगे आपका ओला सस्टेन कर सकता, आगे चल सकता है ओला, नहीं तो ड्राइवर लोग परेशान हो के ओला के साथ काम करना छोड़ देंगे और आगे चल के एक दिन आपकी कंपनी बंद हो जाएगी। बस ये बोलना चाहता हूँ मैं, अपना कॉल यहीं एंड करता हूँ बस। लेकिन आप लोग भी ऐसे ध्यान दीजिए बातों को, ड्राइवर का तकलीफ समझिए आप लोग, समझिए मेरी बात। और अगर कस्टमर से भी आप लोग ये फीडबैक भी डालिए कि कस्टमर ने अगर कंप्लेंट किया है तो कस्टमर ने मुझे पैसा क्यों दिया, कस्टमर गलत कंप्लेंट क्यों करता है, अगर कस्टमर के पैसे उस दिन ही गलत कट गए, अगर गलत नहीं कटे थे तो उसने कंप्लेंट करना नहीं चाहिए था, और अगर उसके कटे नहीं थे तो मुझसे कंप्लेंट क्यों किया उन्होंने, तो कहीं ना कहीं गलती कस्टमर की होती है और तकलीफ ड्राइवर को हो जाता है, इस बात ध्यान दीजिए आप। ठीक है साहब, चलो मैं अपना भैया फ़ोन ये रखता हूँ मैं, और आप फीडबैक में डालना है, फीडबैक जो डालना डाल दीजिए, ठीक है, मैं होल्ड करता हूँ, चलो फीडबैक में डाल दीजिए।